नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आप भी नल जल योजना के अंतर्गत अगर कनेक्शन ले रखे हैं और इसका भी जो है कनेक्शन लेकर आप नल जल योजना के अंतर्गत नल लगा रखे हैं और उसका जो है शुद्ध पानी आप लोग पी रहे हैं, चाहे नहीं भी पी रहे हैं, चाहे उसमें पानी आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे पाइप फटा है, चाहे नल लगा हुआ है कि नहीं, टोटी सही है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि दोस्तों अगर नल जल योजना के अंतर्गत आपने कनेक्शन ले रखा है तो यहाँ पर आपको शुल्क लगेंगे। अगर ये आप शुल्क मंथली नहीं देंगे तो आप पर भी नोटिस जारी की जाएगी, यानी कि आपके घर पर नोटिस दे दी जाएगी कि आप जो है जल्द से जल्द, जैसे बिजली का आप लोग यहाँ पर बिल पे करते हैं, उसी तरह से जो है यहाँ पर नल जल योजना के अंतर्गत पानी पीने के लिए भी आपको अब बिल पे करना होगा। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बखूबी क्लियर कर दूँ कि अगर पहला बार नोटिस जारी होता है ना, अगर उस समय अगर पे नहीं कीजिएगा पैसा ना, तो माफ़। दूसरा बार नोटिस जारी करेगा, माफ़। तीसरा का भी जहाँ नोटिस जारी किया गया, जैसे बिजली बिल में आप लोग जानते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, बेसी बार नहीं माफ़ है। तीसरा बार नोटिस जारी किया गया तो बस जुर्माना पर जुर्माना जो है शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगर कनेक्शन भी कटेगा तो आपका दंड लगेगा, फिर उसके बाद कनेक्शन दिया जाएगा तो आपको दंडित भी यहाँ किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर फोर्सफुली जो है नल जल योजना का जो है अगर आप कनेक्शन ले रखे हैं तो आपको उसका शुद्ध पानी पीना है और आपको पैसा जो है मंथली देना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितना मंथली पे करना है पैसा, अगर आप भी जो है नल जल योजना के अंतर्गत अगर नल लगा रखे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि ये अपडेट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से आपके लिए बहुत दुखदायी भी है, क्योंकि पानी पीने के लिए अभी अगर पैसा देना होगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ें खराब लगी होगी, लेकिन ये ट्रूली है। अब जो है बिहार में आपको नल जल योजना के अंतर्गत आपने नल कनेक्शन लगा रखा है तो उसके लिए आपको शुल्क जमा करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बताया गया है कि पेयजल योजना के रखरखाव नीति को मिली स्वीकृति, यानी कि जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में जो बैठक हुई, ये पेयजल योजना जो है इसका स्वीकृति जो है मिल गए हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पेयजल योजना में वार्ड सदस्यों को अब 5,000 रुपये से अधिक ही मिलेगा हर माह, यानी कि वार्ड सदस्य अब उनका तो बाहबाही होगी। एक तो पहले भी नल जल योजना में उन लोगों ने बाहबाही लूटी लिया, आप लोग जैसे कि जान भी करते हैं कि किस तरह के नल मिला है, किस तरह का पाइप मिला है, किस तरह का टंकी मिला है और किस तरह से जो है नल जल योजना में काम किया गया है और किस तरह से नली गली को बिगाड़ कर उसको सही से नहीं भी बनाया गया है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। और इस कैबिनेट में भी उनका अप्रूवल हो गया, उनका और वाहवाही हो गई कि एक तो जो है पहले भी वाहवाही लूट के बैठे हुए हैं और दूसरा ये है कि अब जो है नल जल रख रखाव के लिए भी उनको जो है 5,000 से अधिक रुपए उनको मिलेंगे, यानी कि अब आपके वार्ड जो है आपके सदस्य होंगे उनकी तो वाहवाही होगी आज। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि आपके घर भी अगर नल जल योजना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगा और आपको ये जानना बहुत ही बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई वार्ड जो है भूलवाए नहीं, क्योंकि जब नल जल योजना जब लग रहे थे तो बहुत सारे वार्डों जो है आपसे बोले गए थे एकदम बिल्कुल फ्री है, आप इसका पानी पीजिए, शुद्ध पानी पीजिए, अच्छा स्वस्थ रहेगा ये हो, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको जो है मिसगाइड भी किया गया था, इसलिए आपको इसको 1 रुपया कभी भी नहीं देना होगा, आप कनेक्शन ले लीजिए, आप लोग भी कनेक्शन लिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका जो है मंथली जो है उनको इतना पैसा पे करने में दिक्कत होंगी, हो बहुत सारे यहाँ पर कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि सारे परिवार जो है यहाँ पर संभव है कि वो इतना मंथली पैसा वो दे सकें, ऐसा बहुत सारे बिहार में ऐसे परिवार है जो कि इतना मंथली पैसा नहीं दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पेयजल योजना के रख रखाव की नीति की स्वीकृति दे दी गई है, यानी कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने बताया कि अब वार्ड सदस्यों को पेयजल योजना के रख रखाव के लिए यहाँ पर 5,000 से अधिक राशि मिलेगी, यानी कि जो भी अब वार्ड होंगे उनको 5,000 रुपये यहाँ पर रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। और साथ में उन्होंने बताया कि अगर विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री पेयजल योजना के निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुच्छरण नीति के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुदान मिलने के साथ दिनों के ग्राम पंचायतों को सचिव द्वारा प्रतिमा 4 रुपये महीने की जो है अनुदान राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधक समिति के खाते में हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि जो वार्ड जो होंगे, जो वार्ड प्रबंधन होंगे, ये नल जल योजना के काम कर रहे होंगे तो उनको जो है जैसे 15वें वित्त आयोग का अनुदान मिलेंगे तो यहाँ 7 दिन के अंदर में जो है उनके खाते में जो है पैसे हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अनुरक्षकों को 2,000 रुपये प्रति माह के दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और बाकी को 2,000 रुपये उपयोग जलापूर्ति योजना के रख रखाव के लिए यहाँ पर किया जाएगा। वार्ड सदस्यों की पेयजल योजना के अनुच्छेद बनाए गए हैं और ऐसे में उनको द्वारा हर परिवार को वसूली गई 30 रुपये प्रति माह की राशि का आधा हिस्सा मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि नल जल योजना के अंतर्गत आपके घर में अगर नल लगाए रखे हैं तो आपको 30 रुपये माह आपको देना होगा, अगर ये शुल्क आप नहीं देते हैं तो आपको नोटिस जारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साथ में बताया गया है कि पेयजल योजना के अनुच्छेद नीति में दैनिक रखरखाव की रूपरेखा को स्वीकृति देगी है
और इसमें ग्राम पंचायत हर वार्ड में वार्ड सदस्यों के रख रखाव काम करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि ये वार्ड जो होंगे इनका एक कर्तव्य होगा कि जो है प्रतिदिन जो है दो टाइम जो है वो नल जल योजना की जो टंकी बिठाए हैं उसको चालू बंद कर दें ताकि उसमें पानी भर सकें। और इसमें जो है वो काम जो कर रहे हैं वो वार्ड के जो है दो महिलाओं को यहाँ पर हस्तांतरण भी लेना होगा कि हाँ जो है हम सुबह शाम जो है इसमें पानी भर देते हैं ताकि जो है लोग जो है सुजल पी सकें। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मान लीजिए जिनका पंप जहाँ पर बैठाए गए हैं जहाँ पर टंकी बैठाए गए हैं वहाँ आसपास में जो भी घर होंगे ना उन दोनों महिलाओं से जो है वहाँ पर सिग्नेचर मोबाइल नंबर ले लिए जाएंगे ताकि टाइम टाइम पर फ़ोन करके वो जो है वहाँ पर निगरानी भी किया जाएगा कि हाँ आपके वार्ड जो है सही टाइम से वो नल जल चालू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये जो नल जल योजना जो है इसका पंप कब चालू करना है कब कब बंद करना है वार्ड के, क्योंकि आपको ये जागरूक होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनका पानी नहीं आता है और वार्ड बोलते हैं कि अभी चालू करने के लिए इतना ही टाइम है, तो यहाँ पर आप लोग टाइम जान लीजिए कि इतना तो मिनिमम इनको चालू करना ही करना है। इससे अगर कम चालू करते हैं तो आप शिकायत जरूर कीजिएगा, वार्ड से बोलिएगा कि आप इतना कम क्यों चालू कर रहे हैं, इतना कम आप पानी क्यों भर रहे हैं टंकी, क्योंकि आपको पैसा दिया जा रहा है और वो भी आपको 30 रुपये महीना आपको देना है या बिल्कुल ना भी फ्री बिल्कुल नहीं है। आप जो है जो पूरा दम अपने हक के से आप बोल सकते हैं कि 30 रुपये हमको महीना देना है, हम कनेक्शन लिया है, अब पानी हमको शुद्ध नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो आप वहाँ पर वार्ड को भी आप जो है लगा सकते हैं क्लास 6 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक, जब तक आपका खाना नहीं बन जाता है आप लोग खा पी के जब तक आप काम ड्यूटी नहीं पकड़ लेते हैं तब तक जो है वहाँ पर पानी जो है उसमें भरना चाहिए। अगर इससे अगर पानी कम आ रहा है तो जो है आप जो है वार्ड को फटकार लगा सकते हैं। और अन्य महीने में 5 बजे से 8 बजे तक चलाया जाएगा, यानी कि और बाकी जो महीने होंगे 5 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर चलाए जाएंगे प्रातः। और शाम में हर मौसम में 4 बजे तक 7 बजे तक पंप चलाना है, यानी कि शाम के भी टाइम में जब आप खाना बनाते हैं 4 बजे शाम से लेकर 7 बजे तक रात्रि तक इनको चलाना है। तो इतना जो टाइम यहाँ पर रखा गया है यानी कि सुबह जो है 5 बजे से शुरू कर लीजिए, 8 बजे चाहे 9 बजे तक आप चलाइए पंप, उसके बाद 4 बजे शाम को शुरू कीजिए और 7 बजे तक चलाइए। अगर इतना पंप नहीं चलता है तो वहाँ पर वार्ड के फटकार लगेगा क्योंकि आप 30 रुपये महीना देते हैं भाई। और यहाँ पर बताया गया है कि वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी होगी कि वह उपभोक्ता परिवारों को शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रतिमाह वसूल करना होगा। और वार्डों को यहाँ पर जिम्मेवारी दिया गया है कि जो है नल जल योजना कनेक्शन ले रखे हैं और सोच रहे हैं बिल्कुल फ्री है और टोटी का ना ध्यान रख रहे हैं ना नल का ध्यान रख रहे हैं ना कुछ, ना पानी वहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे उनको चिंता फिक्र है ही नहीं क्योंकि फ्री है। अब जब पैसा देना होगा तब ना इनको समझ में आएगा। अब देखिए वार्डों की यहाँ पर गलती है, जब जल नल योजना जब लगाए जा रहे थे तो उस समय भी बोला गया था कि बिल्कुल फ्री है तो सब परिवार जो है कनेक्शन लिया था, कोई नल जल योजना का टूट फाड़ कर देता है और पंप वम्प फाड़ उड़ देता है और अपना घर में रख लेता है तो उसका जो है रिपोर्ट जो है यहाँ पर वार्ड जो है जाकर कराएंगे थाना में कि जो है नल जल योजना का जो है सामान जो है चोरी हो गया है, चाहे किसी व्यक्ति के जो है प्राथमिकता भी दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जलापूर्ति योजना में छोटी मरम्मत का कार्य जो है प्रखंडीय स्तर पर अनुसरण एजेंसी के माध्यम से कार्य वार्ड क्रिया करेंगे एवं प्रबंधक समिति द्वारा कराया जाएगा। इसमें मोटर पंप की मरम्मति, स्टार्टअप लगाना, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना, बेरिंग चेंबर की मरम्मति, पाइपलाइन की मरम्मति आदि कार्य, पानी की टंकी की मरम्मति का काम शामिल होंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए ये सब तो बता दिए कि शुल्क लगेगा, इतना टाइम पर पानी मिलेगा, अगर मान लीजिए सब नहीं मिलता है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम शुल्क नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, हम शुल्क देवे नहीं करेंगे, जाओ अपना नल निकालो। तो चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आप शुल्क नहीं देते हैं तो आप पर क्या क्या कार्रवाई यहाँ पर किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर शुल्क नहीं मिलने पर होगा नोटिस। पहले उपभोक्ता को प्रति माह पेयजल योजना के लिए 30 रुपये प्रति परिवार देना होगा। अगर उपभोक्ता के मासिक शुल्क नहीं दिए जाने पर संबंधित उपभोक्ता का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस तामिला के बाद मासिक शुल्क नहीं दिया जाता है तो वार्ड प्रबंधन समिति घरेलू पाइपलाइन को काटने का 15 दिनों का नोटिस देगी। चलिए हम तो अगर हमें पानी नहीं चाहिए तो आप जो है कटवा दीजिए नोटिस देकर, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए 30 रुपया क्योंकि आप नहीं दे सकते हैं। तो नोटिस के बाद जो है शुल्क नहीं दिए जाने पर समिति द्वारा राहत नहीं दिए जाने पर जलापूर्ति को काट दिया जाएगा और फिर उसका पेयजल आपूर्ति 300 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अगर मान लीजिए अगर वो पैसा 30 रुपया मंथली नहीं देता है और वार्ड जो है यहाँ पर नोटिस जारी कर देते हैं और वो जो है क्या करता है कि फिर भी सोचता है कि नहीं हम फ्री में पानी पियेंगे तो वहाँ पर उनका कनेक्शन वार्ड द्वारा काट दिए जाएंगे और 300 रुपये जो है जलापूर्ति के उनसे लिए जाएंगे, दंड किए जाएंगे, तब जो है दोबारा उनके घर में पानी पहुँचाया जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वार्ड द्वारा जो है जलापूर्ति का दुरुपयोग करने पर ग्राम पंचायत द्वारा 150 रुपये दंड लगाया जाएगा। अब यहाँ उपभोक्ता तो मान लीजिए जो जलापूर्ति जो हो रहे हैं उसका अगर दुरुपयोग करता है तो 150 रुपये लगाया जाती है, तो समझ में आ रहा है। और मान लीजिए पाइप फट गया, टंकी फट गया और कहीं नले टूट गया, कहीं कुछ हो गया और कहीं नल टोटी खोल के छोड़ा हुआ है तो वो किस पर शुल्क लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक जो है पाइपें जो बिछा दिए गए ऊपर ऊपर और वो मान लीजिए टूट फूट जाए तो किस पर यहाँ पर दंड किया जाएगा। यहाँ पर भी एक जो है योजना बनानी चाहिए कि अगर वार्ड को मान लीजिए हम इतना पैसा दे रहे हैं उसको मंथली दे रहे हैं तो उस पर भी एक योजना लगानी चाहिए, कहीं पाइप फट रहा है क्योंकि वार्ड बना किस लिए है, जब इतना जिम्मेवारी वो नहीं लेता है तो तुरंत इस्तीफा दे हट यहाँ ले, तुरंत दूसरा वार्ड नियुक्त करें यहाँ पर, ताकि अगर कोई नया वार्ड मान लीजिए खड़ा होता है तो ये जानना चाहिए उसको, उसको पता होना चाहिए कि पिछला वार्ड क्यों हटा था, क्योंकि इतना जिम्मेवारी अगर वो संभाल पाएगा तब वार्ड बनेगा, नहीं तो यहाँ पर वार्ड बनने के लिए वो खड़ा ही नहीं होगा।
क्योंकि इतना जिम्मेवारी तो देना ही चाहिए। जो वार्ड बन रहा है वो अगर एक जो है जनप्रतिनिधि बन रहा है तो उसको भी यहाँ पर दंडित करना चाहिए। लेकिन अगर वार्ड कहीं गलती कर दिया है, पाइप उप इधर उधर बिछा दिया, अगर वो फट गया है और उसका मरम्मती नहीं कर रहा है, अगर वो कोई उपभोक्ता शिकायत वार्ड के पास लेकर जा रहा है, वो वार्ड फिर भी नहीं सही कर रहा है, तो उसका क्या होगा? वहाँ पर भी इसका योजना में लेना चाहिए। और साथ में बताया अगर दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं अगर दुरुपयोग करते हुए, तो आपको 400 रुपये फाइन वार्ड कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत जो होंगे आपको बैठक करेंगे और आप पर जो है 400 रुपये का फाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में बताया गया कि अगर तीसरी बार गलती की है ना तो आपका पूरा जेबे खत्म कर देंगे, 5,000 का आपको यहाँ पर जुर्माना काट लिया जाएगा आपसे। चले दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कहीं पर पाइप लीकेज है, चाहे कहीं पंप खराब हुआ है, चाहे कहीं नल का टूटी उटी खत्म हो गया है, तो उस केस में अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको कितने समय में जो है इसका समाधान मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर शिकायत मिलने पर लीकेज का 24 घंटे में असाधारण या 3 से 5 दिन लगेगा, यानी कि 3 से 5 दिन या 24 घंटे के अंदर जो है असाधारण या जो है समस्या दूर कर देनी चाहिए। अगर मोटर पंप खराबी हुई तो 24 घंटे में ठीक कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी खराबी आती है तो मात्र 2 या 3 जो है असाधारण लगेंगे, लेकिन 24 घंटे में हो सकता है कि समस्याएं जो है खत्म कर दी जाए। और यह बताया जा रहा है कि जो नए बहाली जो है इसके लिए जो है तुरंत 2 या 3 दिन में जो है कर लिए जाएंगे यहाँ। तो जैसे ही दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहाली के आते हैं और ये बहाली ये लोग हो जाएंगे, तो हो सकता है कि जो अभी आपका नल टूटी उटी फूटी उटी है तो ये सारे मरम्मती होंगे और सुचारू ढंग से जो है नल जल योजना काम करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ही जो है नल जल योजना लग रहा था उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि बिल्कुल फ्री आपको पानी मिलेंगे, तो वहाँ पर भी मैंने आके पहले बताया था आपको, वहाँ पर जो योजना का जो पुस्तिका था उसमें साफ ये पर लिखा गया था कि इस योजना का मेंटेनेंस करने के लिए उपभोक्ताओं से कुछ यहाँ पर शुल्क लिए जाएंगे। और वहाँ पर भी मैं बताया था कि 30 रुपये प्लस ही आपको चार्ज लेंगे, इससे तो कम कोई चांस नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि ज़्यादा भी लगे, लेकिन 30 रुपये से कम आपको उपभोक्ता शुल्क यहाँ पर नहीं लगेंगे। अब मुझे आशा है दोस्तों कि ये नल जल योजना के अपडेट जो होंगे आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लिया, अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लड़का का बटन है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।